अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिसे हम गुजराती में कहेंगे अर्थशास्त्र, उर्दू में बोलेंगे मासियत का तारुफ। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि मासियत का तारुफ क्या है, तो ये वीडियो मैंने आपको भेजी थी। लेकिन आज हम हमारी किताब का लेसन नंबर 1, गुजराती में बोलते हैं अर्थशास्त्र विषय प्रवेश, यानी के मासियत का तारुफ पार्ट 1। तो हम देखेंगे कि मासियत का पहला सबक, जिसका नाम है मासियत की तारुफ, ये मज़मून हमारी तालीम में किस तरह आया और उसके मायने क्या है, इसकी बुनियादी समझ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मासियत का वजूद हमारी ज़िंदगी में कैसे हुआ। तो हम सबको पता है कि इंसान जो है वो खूब ही अक्लमंदी वाला जानवर है, यानी कि बुद्धिशाली प्राणी छे। जब हमारे तरफ के हालत का तजिया करते हैं तो वो हालात अपने लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदा है, इसको खुद से समझने की वो कोशिश करता है। और इस कोशिश की वजह से इंसान ने बहुत सी सहूलतें बनाई है, मसलन रियासती सहूलत, समाजी सहूलत, माशी सहूलत बनाई है। नतीजन ये तमाम सहूलतों में अगर कोई मसला पैदा होता है तो पहले ऐसा होता था कि हथियारों का इस्तेमाल करके, यानी जंग के ज़रिए, लड़ाई के ज़रिए इसको हल करने की कोशिश करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया उसमें समझ की तौसी होती गई और वो खुद उन मसलों को हल करने के लिए मासियात के ज़रिए इन मसलों को हल करने की कोशिश करता रहा। वक्त गुज़रने के साथ साथ जितनी ज़रूरियत उसकी उम्मीद की ख्वाहिश मसले की इक्तिसादी सरगर्मी थी, उसको हल करने के लिए, उसे समझने के लिए मासियत का मज़मून का इस्तेमाल करना पड़ा। इसकी इक्तिसादी सरगर्मी का तज़िया क्या है, जो धीरे धीरे मासियत की शक्ल में तब्दील हो गया। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि मासियत क्या है, यानी कि मासियत को गुजराती में क्या कहते हैं। तो मासियत में गुजराती के अंदर तो हम जो मासियत लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं, ये मासियत क्या है, आम जबान में इसका मतलब होता है कि अर्थ का हथियार। अर्थ का मतलब होता है, उर्दू में बोलेंगे मायने, लेकिन गुजराती में से बोलते अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थ का हथियार, शास्त्र यानी कि हथियार। तो अर्थ लफ्ज़ कहाँ से आया, तो अर्थ ये जो लफ्ज़ है संस्कृत का है, उस संस्कृत जबान से ये लफ्ज़ आया है। संस्कृत में अर्थ का मतलब होता है कुछ हासिल करना। जब भी हम कोई सरगर्मी करते हैं तो ज़्यादातर लोगों का ख्याल होता है कि हम कुछ कर तो रहे ले, लेकिन इसके बदले में हमें कुछ रियायत मिलनी चाहिए, तो बदले में कुछ हासिल होना चाहिए, ये उम्मीद करके उस वो सरगर्मी को जब वो मासियत के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो संस्कृत जबान में अर्थशास्त्र का मतलब होता है कुछ हासिल करना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये तो हो गया गुजराती का, लेकिन अंग्रेज़ी में इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो अंग्रेज़ी में इकोनॉमिक्स कहते, आज जो हम इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं, ये अंग्रेज़ी लफ्ज़ का असल नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ जो है वो ग्रीक जबान से आया है। इससे पहले के भी मैंने आपको जो वीडियो भेजा था उसमें भी आपको पता लगा होगा कि मासियत के तारुफ के बारे में, तारीफ के बारे में क्या राय पेश की है। तो जो इकोनॉमिक्स लफ्ज़ है ये ग्रीक जबान से आया है, और ग्रीक जबान का लफ्ज़ है ओइकोनॉमस। क्या कहते हैं उसको, ओइकोनॉमस। तो ये ओइकोनॉमस या अंग्रेज़ी लफ्ज़ के ऊपर से इकोनॉमिक्स लफ्ज़ बना है। और जो दूसरी बात ये है कि ओइको और नॉमस, ये दोनों जो लफ्ज़ है, तो ग्रीक के जो लोग होते थे पहले, वो ग्रीक के लोग अपने घर के सामान, जो घर के इस्तेमाल होता था सामान, उसके लिए ओइकोस का इस्तेमाल करते थे, और नॉमस यानी कि सामान रखने की जगह या सहूलत जिसको हम कहेंगे वो सहूलत। तो ये दोनों अल्फाज ये ग्रीक के लोग इस्तेमाल करते थे, यानी क्या करते कि ग्रीक के जो लोग थे वो अपने घर का सामान के, यानी कि जो सहूलत हासिल होती थी उसके लिए ये अल्फाज का, ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते थे ओइकोनॉमस।
तो ओइकोस यानी घर का सामान और नोमोस यानी कि उसके रखने की सहूलत। तो ओइकोनोमोस यानी कि घर के सामान रखने की सहूलत, और ये दोनों लफ्ज मिलकर ओइको और नोमोस ये दोनों लफ्ज बनकर क्या बन गया, इकोनॉमिक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, माशियात। अब इसके बाद देखेंगे कि माशियात जो है, तो माशियात के अंदर भारतीय जतन, जतन का मतलब वो फिक्र, उनकी सोच यानी कि चिंतन, भारतीय चिंतन, माशियात नो भारतीय चिंतन जिसको हम कहेंगे गुजराती में। तो भारत के अंदर बहुत से माहिरीन, बड़े बड़े नफसियतदान हैं और माशियातदान ने गौर व फिक्र की है कि भारतीय तहजीब में भी माशियाती सरगर्मी की गौर व फिक्र हुई है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय तहजीब जो है, हमारी जो भारतीय तहजीब है 500 साल से भी पुरानी है और ये दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब में से एक है। और ये तहजीब है, इसके चार मकासिद हैं, मज़हब, मायने, काम और नजात, जिसे मैंने गुजराती में लिखा है धर्म, अर्थ, कार्य और मोक्ष। इसके चार मकासिद है, तो ये चार, इसका मतलब ये है कि जिसमें हर एक इंसान, ये इसका मतलब, चारों का मतलब होता है कि मुकम्मल मतलब है, जिसको, जिस पर हर एक इंसान खुद की हाल के दरमियान उसे पूरा करने की चाहत रखता है। लेकिन इन चारों में से सिर्फ जो अर्थ है, जिसको हम कहेंगे मायने, हमारे अल्फाज में कहेंगे मायने लेकिन गुजराती में उसे बोलते हैं अर्थ, अर्थ नाम को जो सरगर्मी है उसके साथ इसका मासियत का ताल्लुक है। तो इसके लिए कुछ हासिल करना, मैंने पहले बता दिया कि इसके लिए कुछ हासिल करने की ख्वाहिश से जो सरगर्मी होती है उसके लिए ये लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, यानी कि मुकम्मल काम करने की सरगर्मी। तो मुकम्मल काम करने की सरगर्मी के ज़रिए इंसान खुद की ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी सकता है, उसे इसलिए ख्याल पेश करता है, ख़ास तौर पर खुद की ज़िंदगी को बसर कैसे कर सकता है, मादी सुख हासिल कर सकता है यानी कि आमदनी हासिल करता है, ये भारतीय तहजीब कहती है। इस भारतीय तहजीब में अपने भारत में सबसे पहले मासियात में मुकम्मल जो किताब पेश की है 2500 साल पहले हुई, जो पेश की थी किताब वो 2500 साल पहले थी। और ये किताब के तश्कीलदार यानी कि उसे लिखने वाले हैं वो कौटिल्या, अर्थनीति, किताब का नाम है अर्थनीति, अर्थ नाम की किताब जो लिखी थी, जिसमें उन्होंने मासियात के निज़ाम के बारे में खुद के ख्याल को पेश किया था, और इस किताब में उन्होंने मासियात की तारीफ भी पेश की है, जिसमें उन्होंने बताया कि इंसानी ख्वाहिश के मायने है, इंसानी रहाइश की ज़मीन का मतलब, इसके फ़ायदे की तामील करदा इकदाम का हथियार यानी कि माशियात है, ये तारीफ कौटिल्या ने पेश की। इसके अलावा ये कौटिल्या की तीन बातें हैं, और इस बातों के ऊपर उन्होंने बताया कि इंसान की जो ख्वाहिश है मतलब है, रिहाइश वाली ज़मीन भी मतलब है, यानी कि इंसान अपनी मतलब से ज़मीन का इस्तेमाल करता है, जैने के उसके ऊपर आपपाशी करता है, रहने के लिए मकान बनाता है, तो अपनी यानी कि अपनी जने के जो सुख हासिल करता है अपनी सहूलत के लिए ये तमाम काम उस ज़मीन पर करता है। तो जो ज़मीन है ये भी मतलब की है। इसके अलावा ज़मीन के फ़ायदे की तामील, यानी कि ज़मीन के फ़ायदे की, यानी कि उनसे हमको फ़ायदा हासिल है कि नहीं है, ये तीनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए कौटिल्या ने अपनी तारीफ पेश की। तो उन्होंने अपनी तारीफ गौर व फिक्र की पेश की, तो इसमें ये तीनों चीज़ों को मरकज़ के मकाम पर हमेशा इंसानी फलाह बहबूदी को ध्यान में रखा था, और ये तमाम ख्यालात भारतीय गौर व फिक्र में उन्होंने पेश किए। दूसरा, कौटिल्या की एक और खसूसियत थी कि उन्होंने जो मासियत है उसमें नीति शास्त्र जो किताब थी, यानी कि पॉलिसी का इखलाकियत जिसको हम कहेंगे इखलाकियत, तो उन्होंने उसमें असर देखने को मिलता है, यानी कि इंसान के समाज का असर देखने को हमको मिलता है, समाज के अंदर क्या बर्ताव करता है इंसान, एक दूसरे के साथ उसका कैसा बर्ताव है, तमाम समाज को ध्यान में रखकर कौन सी सरगर्मी करनी चाहिए, उसके ख्यालात को कौटिल्या ने पेश किया है। ख़ास तौर पर कौटिल्या ने शाहशाही, रियासती सहूलत और वज़ीर ज़रात को ध्यान में रखकर मासी बातों में भी हिदायत दी है,
ये हमारी हो गया भारतीय तहजीब के अंदर मासियत की तारीफ और उसके बारे में गौर और फिक्र। अब इसके बाद के पीरियड में हम जो देखेंगे कि हमारे भारतीय तहजीब में तो माहिरीन थे जो नफ्सियात दा थे उन्होंने अलग अलग तारीफ़ें पेश की, लेकिन इसके अलावा जो मगरबी में तो मगरबी के अंदर मासियत दा क्या कहते हैं ये हम अगले पीरियड में देखेंगे। और वो मगरबी मासियतदा हैं उन्होंने कौन कौन सी तारीफ़ें पेश किए ये भी हम अगले पीरियड में जानकारी हासिल करेंगे।